आदित्य सुहास जम्बाले द्वारा निर्देशित यामी गौतम स्टार फिल्म अटिकल 370 दर्शकों की पहली पसंद बनती जा रही है। रिलीज के पहले हफ्ते में फिल्म ने थिएटर से लेकर बॉक्स ऑफिस तक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अटिकल 370 की कमाई पहले हफ्ते में काफी तेजी आई है और ये लहर दूसरे हफ्ते में भी जारी है। इसी बीच अटिकल 370 के 9वें दिन का कलेक्शन आंकड़े सामने आ गया है, जिससे पता चलता है कि यामी गौतम की स्टार फिल्म की कमाई में उछाल आया है। अटिकल 370 रिलीज के पहले दिन से कमाई के मामले में अच्छी पकड़ बनाए रखी है। ओपनिंग वीकेंड के बाद कायस लगा जा रहा था कि यामी गौतम की फिल्म पिछड़ जाएगी, लेकिन दर्शक के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के चलते फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है। रिलीज के 9 दिन में आर्टिकल 370 के कलेक्शन में बम्पर उछाल देखने को मिला है। शुरुआती कारोबार के अनुसार दूसरे शनिवार को यामी गौतम और अरुण गोविल अभिनीत फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है। शुक्रवार के मुकाबले आज सेक्शन 370 की कमाई दोगुनी हो गई है, जो सराहनीय है। 9 दिन आर्टिकल 370 की कमाई में आए उछाल से फिल्म का कुल कलेक्शन काफी बढ़ गया है। इसकी मदद से अब आर्टिकल 370 का कुल बिजनेस नेट 47 करोड़ रुपए हो गया है। ऐसे में अब यामी गौतम की फिल्म 50 करोड़ के आंकड़े से सिर्फ 3 करोड़ पीछे है। रविवार को फिल्म यह आंकड़ा आसानी से पार कर जाएगी। कम बजट की इस फिल्म के लिए यह कलेक्शन काफी प्रभावी माना जा रहा है।